नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस विक्टर। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के बीच सौर मंडल पर चर्चा करने जा रहा हूं, और उम्मीद है कि बड़ी बारीकी से मैं आप सबों के बीच सौर मंडल की जो रहस्यमय बातें हैं वो रखने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और मैं कोशिश करूंगा इसे पार्ट बाय पार्ट आप सबों के बीच रखूँ, ताकि आप उबे नहीं, तो बराबर बने रहेंगे हमारे साथ इस वीडियो में। तो मैं सौर मंडल पर बारीकी से चर्चा करने वाला, बस आप सभी ध्यानपूर्वक हर एक स्टेप को अच्छे से समझते जाएंगे। सौर मंडल को समझने से पहले मैं एक चीज पर चर्चा करूंगा और वो है पर्यावरण। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि पर्यावरण क्या है, कि ये मान लीजिए हमारी धरती है, ये हमारी भूमि है जिस पे हम रहते हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है। तो हमारे आसपास बहुत सी सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे कि हमारे आसपास के बगल में एक स्कूल हो गई, एक विद्यालय हो गया, बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए, बगल में कोई तालाब है, बगल में कोई नदी है, बगल में कोई जो है ऐसी खेत खलिहान, ऐसी हरी भरी चीजें जो हम सभी अपने दैनिक जीवन की सारी चीजें जो उससे पूर्ति करते हैं, तो वो सारी चीजों का मिश्रण ही हमारा पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। जहाँ हम होते हैं, हमारे आसपास में जो घर होता है, जो दुकानें होती है, जो मकान होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो नदी और तालाब वगैरह होते हैं, वो सब पर्यावरण कहलाता है, क्लियर है। लेकिन देखते रात में चंद्रमा दिखाई देती है, तारे दिखाई देते हैं, और ऐसी जो भी सारी चीजें उल्का पिंड दिखाई देती है, और उसके बाद उपग्रह हैं, तो ये सभी चीजें आकाशीय या खगोलीय पिंड कहलाता है, क्लियर है। आसमान में जो कुछ भी है, जो दिखाई दे अथवा न दे, वह सभी आकाशीय या खगोलीय पिंड कहलाता है। अब यह एक चीज उनमें से हो जाता है तारा, और दूसरी जो चीज है वो है ग्रह, और बाकी सारी भी चीजें हैं, इनमें उल्का पिंड है, उपग्रह है, उसके बाद जो क्षुद्र ग्रह है। लेकिन मैं दो चीजों पे विशेष रूप से बात करूंगा, उनमें से एक चीज हो गई तारा और दूसरी चीज हो गई ग्रह। तारा क्या है कि तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, ठीक है। तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी अपनी एक ऊष्मा और प्रकाश होती है। जो आसमान में दूर टिमटिमाते तारे, जिनके जिन्हें बच्चे देखकर काफी रोमांचित होते हैं, जिनकी रोशनी हमें हल्की फुल्की यहाँ से महसूस होती है, उनमें से एक तारा सूर्य है, जिसकी रोशनी से ये पूरी पृथ्वी जगमगा उठती है, हमारी जरूरत की सारी चीजें उन्हीं से पूर्ति होती है, और हमारी जो खेत खलिहान का एक बहुत बड़ा स्रोत है वो, तो ये तारा ही है। तो तारा क्या है कि एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। उन्हीं तारा में से एक तारा है सूर्य, और ये सूर्य जो है ये सबसे नजदीक का तारा होने की वजह से ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, और इनकी अत्यधिक मात्रा में प्रकाश हमें मिलती है, ठीक है। और ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों तारे हैं जो हमसे काफी दूर है, इसलिए उसकी प्रकाश हमें नहीं मिल पाती उचित मात्रा में, और ये हमें उतना बड़ा दिखाई नहीं देता जितना बड़ा कि सूर्य होता है, ठीक है। और एक चीज होती है ग्रह। ग्रह क्या है कि ग्रह भी एक खगोलीय पिंड है, लेकिन इसकी एक खासियत यह है कि ये जो है इसमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, और इनका एक काम है कि सूर्य का चक्कर लगाना, ठीक है। तो ग्रह क्या होती है कि सूर्य का चक्कर लगाता है, और इसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, और यह है खगोलीय पिंड। तो ऐसा खगोलीय पिंड जिसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश ना हो, बल्कि वो सूर्य या तारे का चक्कर लगाता हो, उसे हम लोग ग्रह कहते हैं, क्लियर है। तो हम सभी जानते हैं कि ग्रहों की कुल संख्या पहले 9 थी, अगस्त 2006 से पहले, लेकिन अगस्त 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रियों की संगठन हुई थी, जिसमें काफी लंबी बहस होने के बाद ये बातें निकल कर आई कि ये जो क्षुद्र ग्रह है, क्लियर है, उनको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां जो खगोल शास्त्रीय थे, उन्होंने ग्रहों के होने की कुछ जो है अवधारणाएं बताई, कुछ उनके गुण बताए। उनमें से पहला है कि ग्रह की एक निश्चित आकार होनी चाहिए, उसका अपना एक निश्चित जो है कक्षा होनी चाहिए जिसमें कि वो सूर्य की चक्कर लगा सके, उनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होनी चाहिए, और उसकी एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए जिसमें कि सूर्य का घूर्णन कर सके, और जाके जो अपनी सूर्य की परिक्रमा कर सके और अपनी कक्षा पे घूर्णन कर सके। लेकिन उनमें से एक ग्रह था प्लूटो। प्लूटो में ये देखा गया कि इनकी एक निगेटिव चीज वहां दिखाई दे गई कि जब ये घूमता है, तो घूमने के क्रम में ये यूरेनस नाम की एक ग्रह है,
जो कि सूर्य से दूरी के हिसाब से ये सातवें नंबर पे है, और वाय ग्रह के हिसाब से देखी जाए तो तीसरे नंबर पर है। तो ये घूमते घूमते क्या करता है कि उसको काटने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए इनको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया और इनको बौने ग्रह के रूप में, बौने ग्रह के नाम से जाना गया। और अभी फिलहाल ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में ये घूमता रहता है, एक तरह से मैं कह लूँ तो ये बॉर्डर का काम करता है। इससे पहले जो चार ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये आंतरिक भाग का ग्रह कहलाता है। मैं आगे इस पर डिस्कस करूंगा, जो कि चट्टानों की बनी हुई रहती है। और इसके बाद के जो चार ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और जाके नेपच्यून, उसको हम लोग वाय ग्रह कहते हैं, जो कि गैस और तरल पदार्थों का बना होता है। तो मैंने ग्रह की बात पूरी कर ली। ग्रह क्या है कि एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है, और उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रही। अब उन्हीं में से ये तारे जो है, तारे से एक चीज निकल के आते हैं, नक्षत्र मंडल। अब नक्षत्र मंडल क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। नक्षत्र मंडल क्या होता है, तारों के द्वारा जो बनाई हुई आकृति होती है उसी को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के द्वारा जो बनाई हुई आकृति होती है, जैसे आसमान की तरफ अगर देखेंगे तो तारे जो है कई एक संख्या में तारों के द्वारा एक मतलब बड़ी खूबसूरत तरीके से इनकी जो है आकृति बनाई जाती है, तो उसी को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। लेकिन नक्षत्र मंडल क्या होता है कि उनमें तारों की संख्या फिक्स होती है, और इसी तारों के समूह से एक और चीज बनती है जिसका नाम है आकाशगंगा, क्लियर है। और आकाशगंगा और नक्षत्र मंडल में एक छोटा सा अंतर होता है कि नक्षत्र मंडल में तारों की संख्या सीमित होती है, जबकि आकाशगंगा में तारों की संख्या असीमित होती है। नक्षत्र मंडल में तारों को गिना जा सकता है, लेकिन आकाशगंगा में तारों को गिना नहीं जा सकता। तो दोनों ही तारों का समूह है, तो तारों का ऐसा समूह जिसमें तारों की संख्या फिक्स हो, जिसमें तारों को गिना जा सके, वो नक्षत्र मंडल कहलाता है। और लाखों तारों की जो समूह होती है उसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। तो नक्षत्र मंडल हमने समझ ली कि तारों के द्वारा बनाई गई जो आकृति होती है उसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब ये नक्षत्र मंडल दो भागों में बटा हुआ रहता है, उनमें से एक है हमारा अर्सा मेजर और दूसरी जो चीज है वो है बिग बियर। अब ये अर्सा मेजर का ही एक भाग है जिसे हम लोग जो है सप्तऋषि कहते हैं। अर्सा मेजर का ही एक भाग है जिसे हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। ये सप्तऋषि क्या है, ये सात तारों का समूह होता है। जब हम रात में सूर्योदय सूर्यास्त के बाद हम गौर से देखेंगे करीब 7-8 बजे के आसपास में, तो हर रोज हमें एक सात तारों की समूह दिखाई दे जाएगा जो कि सप्तऋषि कहलाता है। और ये अर्सा मेजर का भाग है और ये एक तरह का नक्षत्र मंडल है, क्लियर है। अब ये सप्तऋषि तारे जो है सात तारों के समूह है, उन्हीं में से एक चीज निकल के आती है जिसको हम लोग कहते हैं संकेतक तारा, जिसको हम लोग कहते हैं संकेतक तारा। अब ये संकेतक तारा क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सप्तऋषि होती है वो इस तरह की आकृति में आपको दिखाई दे जाएंगे। एक तो चतुर्भुज के आकार का होगा वो, और दूसरी चीज जो होती है वो तीन तारे इस तरह के आपको जो है दिखाई देंगे। ये तीन तारे इस तरह से दिखाई देंगे, इस तरह का भी इनकी आकृति बना हुआ रहता है। तो इनमें से जो है वो दो तारे ऐसे होते हैं जो एक दिशा में व्यवस्थित होती है, दो तारे ऐसे होते हैं जो एक दिशा में व्यवस्थित होती है, इन्हीं दो तारों को हम लोग कहते हैं संकेतक तारा। अर्थात एक शब्द में कह लें कि सप्तऋषि जो है सात तारों की समूह होती है, उनमें से दो तारे ऐसे होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में व्यवस्थित रहती है, जिसे हम लोग संकेतक तारा कहते हैं, ठीक है। अब संकेतक तारा के बाद एक चीज आ जाती है ध्रुव तारा, ध्रुव तारा जिसको हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं। ध्रुव तारा क्या होता है कि सात तारों की जो समूह होती है उनमें से जो संकेतक तारा होता है, जो दो तारे एक दिशा में एक डायरेक्शन में व्यवस्थित रहती है, तो जब हम इनको गौर से देखना प्रारंभ करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ और हम इनको गौर से देखने की प्रयास कर रहे हैं, दो तारों से होते हुए जो प्रकाश की किरणें निकलती है और आसमान में पहली बार जिस तारे को वो टच करे उसी तारे को हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा, पोल स्टार इसकी अंग्रेजी होती है। तो ध्रुव तारा हमने समझ ली कि सात तारों की जो समूह सप्तऋषि होती है उनमें से दो तारे ऐसे होते हैं जो एक ही दिशा में, जो हमारा संकेतक तारा कहलाता है। और संकेतक तारा के माध्यम से होती हुई जो पहली बार जो तारे को टच करती है उसे हम लोग ध्रुव तारा, इसे हम लोग दिशाओं का तारा भी कहते हैं और इसे हम लोग उत्तरी दिशा को भी तारा कह सकते हैं, उत्तरी दिशा का तारा। और प्राचीन काल में जब उतनी विज्ञान विकसित नहीं की थी तो हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हुआ करते थे तो वो इन्हीं तारों की मदद से दिशाओं को पता करते थे। उत्तर की दिशा का पता चल जाता था, फिर इन्हीं से वो दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा का जो है वो पता करते थे, क्लियर है। तो इसे हम लोग उत्तरी दिशा का भी तारा कहते हैं और ध्रुव तारा भी कहते हैं, ये उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा कि अब
ध्रुव तारा के बाद जो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये आकाश गंगा। ये आकाश गंगा क्या होती है, क्योंकि हमने एक चीज देख ली कि तारों की जो एक निश्चित समूह, तारों की जो समूह होती है तो वो हमारा नक्षत्र मंडल कहलाता है, और आकाश गंगा क्या है कि असंख्य तारों की जो समूह, बाद में एक एक करके परिभाषा लिखवाऊंगा, फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन करके अभी पहले निकाल दे रहा हूँ। तो लाखों करोड़ों की तारों की जो समूह होती है उसी को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं, क्लियर है। इसमें तारों की संख्या सीमित, इसमें तारों की संख्या असीमित होती है। तो आकाश गंगा का ही एक हिस्सा है हमारा ये सूर्य, जो कि एक तारा है, और उसी सूर्य की रोशनी हमको मिलती है, फिर जाके पृथ्वी का जो जीवन यापन है वो संपन्न होता है। तो लाखों तारों का समूह हमारा आकाश गंगा कहलाता है, और जिस आकाश गंगा का एक तारा सूर्य है, जिस आकाश गंगा का एक तारा सूर्य है उसी को हम लोग कहते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला ध्यान से देखेंगे कि जिस आकाश गंगा का एक तारा सूर्य हो उसी आकाश गंगा के, है ना, उसी आकाश गंगा को हम लोग दुग्ध मेखला कहते हैं। कि प्राचीन समय में ऐसा होता था कि ये जो तारों की, लाखों तारों की जो समूह आकाश गंगा होती थी, ये नदियों में, आसमान में नदियों की तरफ बहती भी नजर आती थी और काफी जगमगाती भी। तो इसलिए हमारे विद्वान इन्हें बहती नदी का तारा कहा, और बाद में ये दूध के समान चमकती भी नजर आ रही थी, इसलिए इन्होंने इसे दुग्ध मेखला कहा। और हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक की जो आकाश गंगा है उसको हम लोग कहते हैं एंड्रोमेडा, वो हमारा एंड्रोमेडा, ठीक है। आकाश गंगा हमने समझ ली। अब लाखों आकाश गंगा, करोड़ों आकाश गंगा जब आपस में मिलती है तो वह कहलाता आकाशीय पुंज, वह कहलाता आकाशीय पुंज। लाखों आकाश गंगा जब आपस में मिल जाए वही हमारा कहलाता आकाशीय पुंज, क्लियर है। अब लाखों आकाशीय पुंज को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो वही हमारा कहलाता है ब्रह्मांड, जिसको हम लोग यूनिवर्स कहते हैं, जिसको हम लोग जो है विश्व भी कह सकते हैं, वर्ल्ड कहते हैं अंग्रेजी में, या यूनिवर्स कहते हैं। तो मैं खुद से, अपने से, आपसे अगर ब्रह्मांड की जो है संबंध बताने की कोशिश करूँ तो ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा आकाशीय पुंज, और आकाशीय पुंज का एक हिस्सा आकाश गंगा, आकाशीय गंगा का एक हिस्सा, आकाशीय गंगा का एक हिस्सा है हमारा सौरमंडल, और उसी सौरमंडल का एक हिस्सा ग्रह, उसी ग्रह में करीब एक हिस्सा पृथ्वी, और पृथ्वी में करीब 200 से अधिक देश है, उन देशों में से एक देश भारत, भारत में कई एक राज्य, उनमें से एक राज्य बिहार, बिहार में कई एक राज्य, उनमें से एक बिहार में कई एक जिला, उनमें से एक जिला अररिया, और अररिया जिला में कुल 9 प्रखंड, एक प्रखंड कुशाघंटा, कुशाघंटा प्रखंड में कुल 13 पंचायत, उनमें से एक पंचायत कुशाघंटा है, उनका एक बसिंदा हम है और बाकी के लोग है। यानी कि अगर मैं अब बात करूँ खुद की या आपकी, तो जमीन पर सौरमंडल के हिसाब से देखे जाए तो एक रहने वाला एक मामूली सा कीड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं, इतनी छोटी सी जो है हमारी अस्तित्व है पृथ्वी पर कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये ब्रह्मांड हमने समझ ली। अब मैं इसे आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पे एक चीज़ बात ग्रह की एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा, तारे की थोड़ी सी और व्याख्या मैं यहाँ पे देख लूँ कि ये जो हमारा तारा है वो सबसे नजदीक का तारा है जिसे हम लोग सूर्य कहते हैं, और सूर्य चार लेयरों में जो है विभक्त होती है, सूर्य चार लेयरों में होता है। ये देख लीजिए, सूर्य का जो है केंद्र का भाग है, उसके बाद ये जो सूर्य का ये प्रकाश मंडल का भाग है, उसके बाद ये सूर्य का वर्ण मंडल का भाग है, और ये सूर्य का जो क्रीड का भाग है। अब ये जो सूर्य का केंद्र का भाग है, यहाँ के तापमान बहुत ज्यादा होती है, यहाँ के तापमान लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है, और यहाँ पर जो है ये नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, वो क्या होता है कि हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में यहाँ होती है, वो कन्वर्ट होता रहता है हीलियम में, और हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होती है तो वहां से ऊर्जा निकलती है, और इसी ऊर्जा से वो ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत जो है ब्रह्मांड की सारी चीजों को व्यवस्थित किए हुए रखता है, और इसी से जो ऊर्जा निकलती है वही बाकी सभी ग्रहों को व्यवस्थित रखता है, क्लियर है। और इसकी जो तापमान होती है वो 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। हमारा केंद्र का लेयर हो गया, और ये जो इसकी दूसरी परत है, ये जो इसकी दूसरी परत है, इस दूसरी परत को हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। ये मैं तारे के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये प्रकाश मंडल क्या होता है कि ये सूर्य का विजुअल पार्ट है, यानी कि इस हिस्से को देखा जा सकता है, और इसमें क्या होती है कि यहाँ पर जो है थोड़ी सी इसकी अपेक्षा ये ठंडी होती है, और इनका जो तापमान होता है, इनका तापमान होता है 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड, इनका जो तापमान होता है 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ केंद्र का तापमान होता है वो 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, और ये विजुअल भाग है, यहाँ हम इनको देख सकते हैं। इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो ये जो हमारा दूसरा जो लेयर है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं कि इसको हम लोग जो है
वर्ण हम लोग कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो है ये इसमें पूरी गैस जो है व्यवस्थित रहती है, एक हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें रहती है, ठीक है। और इसको हम लोग वर्ण मंडल भी कहते हैं। तो प्रकाश मंडल ये हो गई, ये हमारा वर्ण मंडल हो गया। इसमें तीन गैसें होती है, एक होता हाइड्रोजन, एक होता हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है इसमें समथिंग 73% के आसपास होती है। दूसरा होता है हीलियम, हीलियम इसमें 26% के आसपास होती है और अदर गैसेस होती है इसमें 3%। किस लेयर में? सूर्य के दूसरे लेयर में, यानी तारा भी कह सकते हैं इसको, तारे के दूसरे लेयर को हम लोग वर्णमंडल कहते हैं। और इसमें गैसें होती है, हाइड्रोजन 73% होती है, हीलियम 26%, अदर गैसें जो है उसमें 3% के आसपास होती है। और अब मैं बात करूँ इसके लास्ट लेयर की, इस लेयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि इस लेयर को हम लोग क्रीड कहते हैं, क्रीड। इसको अंग्रेजी में हम लोग कोरोना भी कह सकते हैं, ये क्रीड कहलाता है। और ये केवल ग्रहण के समय में ही देखा जा सकता है, क्लियर है। जब ग्रहण लगती है तभी हम इन हिस्सों को देख सकते हैं, इसके अलावा हम बाकी हिस्सों को नहीं देख सकते। तो ये हमारे हो गए सूर्य यानी कि तारे का जो है चार लेयर। अब मैं थोड़ी सी आकाशगंगा पे बात कर लूं कि ये आकाशगंगा भी जो है तीन लेयर में कन्वर्ट होती है। आकाशगंगा में एक होती है केंद्र का भाग और तीन लेयर होता है इसका। आकाशगंगा मैंने पहले कह दी कि लाखों तारों का जो समूह होता है, क्लियर, जो गिना नहीं जा सके उसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाशगंगा तीन, एक केंद्र और जाके तीन लेयर होता है। ये हमारा केंद्र हो गया, ये इसकी पहली लेयर हो गई, ये इसकी दूसरी लेयर हो गई, ये इसकी तीसरी लेयर हो गई। अब आकाशगंगा की जो तीसरी लेयर होती है, उस तीसरी लेयर में ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में होती है हाइड्रोजन गैस, जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं, जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आकाशगंगा का केंद्र का भाग हो गया, ये इसकी पहली परत है, ये इसकी दूसरी परत है, ये इसकी तीसरी परत है, क्लियर है। ये सूर्य की बात थी, ये आकाशगंगा, क्लियर है। अब ये तीसरी लेयर में जो हाइड्रोजन गैस होती है, जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं, तो ये निहारिका जो होता है, चूंकि इसकी तापमान काफी ज्यादा होती है, तो जब तापमान ज्यादा होगी तो ये बाकी सारी चीजों को अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है, तो ये इन हाइड्रोजन गैस को अपनी तरफ खींचता है गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण। तो खींचने के क्रम में क्या होती है कि इस हाइड्रोजन गैस में काफी दबाव होती है, टकराव होता है, तो जब उसमें दबाव और टकराव होती है तो उससे ऊर्जा निकलती है, और जब ऊर्जा निकलती है उससे, तो उसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। और उस नाभिकीय संलयन के क्रम में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, वो धीरे 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 ये निहारिका जो है ये पश्चिम से पूरब की दिशा में जो चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाते 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 ये जो तीसरी लेयर की जो निहारिका है वो दूसरी लेयर में चली आती है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि तारा जो है मध्य अवस्थाओं का तारा, ये सूर्य मध्य अवस्थाओं का तारा है। यानी कि तारे की अगर बात की जाए तो 4.5 बिलियन वर्ष इसका उम्र है, 4.5 बिलियन वर्ष इसका जो उम्र है। तो वो तारे ने ये सूर्य जो है, जो हमारी सबसे नजदीक की तारा जो सूर्य है, इन्होंने आधी जिंदगी जी ली, अब जाके ये इस लेयर पे है। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये घूमते 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 ये फिर केंद्र पाएगा, तो फिर ये तारे की जो है पूरी तरह से जो है ये इसकी कहानी खत्म, फिर ये न धरती रहेगी, न हम रहेंगे, न बाकी सारी चीजें रहेगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब इस ब्रह्मांड की फिर से विनाश होगी, फिर से नए रूप में जो है जगत का निर्माण होगा। ये यही कहानी, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस ये जो आकाशगंगा का तीसरी लेयर में है वो घूमता रहता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सूर्य के करीब आता है, और आने के क्रम में क्या होती है, इसमें दबाव और खिंचाव होती है, जिस वजह से इसमें क्या होता है कि ये तीसरी से दूसरी लेयर, दूसरी से एक समय ऐसा आएगा पहली लेयर में, और पहली लेयर के बाद ये केंद्र में आएगी, इसकी कहानी खत्म, क्लियर है। और यहीं से हाइड्रोजन गैस की प्रक्रिया से ही जो है एक चीज निकल के आती है तारा, और एक चीज है ब्लैक होल। दो चीजें हम लोग यहां समझेंगे, एक हमारी आ जाती है ब्लैक होल और एक तारा। नया तारा बनता कैसे, मैं उन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो नया तारा बनने की क्या प्रक्रिया होती है, यहाँ जो नाभिकीय संलयन होती है, तो नाभिकीय संलयन के क्रम में क्या होता है कि दबाव ज्यादा होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन में काफी ज्यादा हलचल होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और प्रोटॉन की जो है वृद्धि होती चली जाती है, और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। हाइड्रोजन जो है वो घटता जाता है और हीलियम बढ़ता जाता है। इसमें क्या होती है कि उसमें जो है हाइड्रोजन की कमी और हीलियम की बढ़ोतरी होने के बाद हीलियम जो है वो धातुओं में कन्वर्ट हो जाता है, निकिल और आयरन में।
और निकिल और आयरन बाद में क्या होती है कि उसमें अत्यधिक दबाव पड़ने की वजह से उसमें विस्फोट होता है और उसी को हम लोग कहते हैं विस्फोटी तारा, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सुपरनोवा कहते हैं, ठीक है। और सुपरनोवा जब होती है तो उसमें क्या होता है, दो चीज आती है, उस सुपरनोवा का अगर तापमान क्या हो 1.4, ठीक है, MS, मास कह सकते हैं, जिसको हम लोग जो है हिंदी में मास ऑफ सन कह, मास ऑफ सन यानी कि सूर्य का द्रव्यमान, तो उस सुपरनोवा जो होती है यानी कि हम इसे विस्फोटी तारा जो कहते हैं, तो विस्फोटी तारा के बाद अगर उनका द्रव्यमान 1.4 से अधिक हो, 1.4 से अधिक हो, ठीक है, तो एक प्लस का मतलब यहाँ पे अधिक से, और यहाँ पे ये सुपरनोवा, सुपरनोवा यानी कि हम इनको कह सकते हैं विस्फोटी तारा, इसको कह सकते हैं विस्फोटी तारा। तो ये जब दो खंडों में विभक्त, ये जब टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त होता है, कोई बड़ा टुकड़ा कोई छोटा टुकड़ा, और ये टुकड़ों में कन्वर्ट होकर करके ये क्या करता रहता है कि ये आकाश गंगा का चक्कर लगाता रहता है, उनमें से जो खंडित तारा होती है उसका अगर जो है द्रव्यमान 1.4 से अधिक हो, तब जाके क्या होती है कि ये 1.4 से अधिक होती है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में जो है ना इलेक्ट्रॉन काफी तेजी गति से ये घूर्णन करने लगता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन में कमी आती है और प्रोटॉन जो है शेष रह जाता है, और प्रोटॉन शेष रहने के बाद इसमें क्या होती है कि एक ब्लैक होल बनता है, और ब्लैक होल एक ऐसा मतलब क्षेत्र है आकाशगंगा का जो कि कोई भी चीज उसमें जब समाहित हो तो उसकी पूरी नामो निशान मिल जाती है, और यही कारण है कि वहां से प्रकाश भी प्रवेश करने के बाद निकल नहीं पाती है। और जब उसी सुपरनोवा का जो टुकड़ा होता उसका अगर द्रव्यमान 1.4 से कम हो, ठीक है, तब जाके यहाँ पर एक नया तारे का निर्माण होता है, क्लियर है। अगर मैं नए तारे की बात करूं तो क्या होता है कि आकाशगंगा तीन लेयरों में विभक्त होती है, तीसरे लेयर में एक गैस घूमता रहता है हाइड्रोजन गैस, जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं, और केंद्र की तापमान ज्यादा होने की वजह से, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने की वजह से वो उसमें खिंचाव होती है, और खिंचाव के क्रम में उसमें टकराव होती है, और टकराव होने में उसमें एक विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद कई एक खंड में बदल टुकड़ों में वो विभक्त हो जाती है, जो आकाशगंगा का चक्कर लगाता रहता है उनमें से जिस टुकड़ों का द्रव्यमान 1.4 से अधिक हो तो उसमें क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा गति करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की फिर कमी आती है, प्रोटॉन शेष रह जाता है, और फिर इसे हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, जिसमें कोई भी चीजें चली जाए तो वापस नहीं आती है, और जिसका द्रव्यमान 1.4 से कम हो तो वहीं पे एक नया तारे का निर्माण होता है। तो हमने नए तारे के बारे में भी बात कर ली, ब्लैक होल की भी बात कर ली, आकाशीय पुंज की भी बात कर ली, और इसी आकाशीय पुंज से बनता है ब्रह्मांड, क्लियर है। और यहाँ पर सूर्य जो चार लेयर में बटा हुआ है उन चारों लेयर को हमने अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लिया, और मैं बारीकी से बाकी सारी चीजों पर बहस करूंगा। अब यहाँ पे दो चीजें मैं चर्चा करूंगा, एक है पूर्णिमा और दूसरी है अमावस्या। पूर्णिमा क्या होता है कि महीने में एक बार ऐसा समय आता है जब चांद पूरी तरह से गोल होती है, तो जब चांद पूरी तरह से गोल होती है तो उसी रात को हम लोग पूर्णिमा की रात कहते हैं, ठीक है, और उसके अगले 15 दिनों के बाद धीरे धीरे चांद दिखाई देनी बंद हो जाती है, जिसे हम लोग अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा के दिनों में प्रकाश ज्यादा होती है, बच्चे उसमें घर से बाहर आनंद के साथ खेलते धूपते हैं और सभी लोग मनोरंजन करते हैं उस रात की। और अमावस्या क्या होता है कि वो थोड़ी डरावनी होती है, क्योंकि वो चांद उसमें नहीं होता है, जिस वजह से उसकी रोशनी धरती पे नहीं होती है, तो सभी लोग सवेरे अपना घर आते हैं या फिर अपने सारे कामकाज को जल्दी विराम देते हैं। तो पूर्णिमा मतलब वो रात जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से गोल दिखाई दे, अमावस्या वो रात जिसमें चंद्रमा के नामो निशान धीरे धीरे मिटनी शुरू हो मतलब खत्म शुरू हो जाए। उसके बाद हम सूर्योदय और फिर सूर्यास्त की बात करेंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय क्या है हमारा कि सूर्योदय वो है सूर्य के उगने का समय, सूर्य के निकलने का समय सूर्योदय कहलाता है। तो जब सूर्योदय होती है तो वो हमारे शरीर के लिए काफी हितकर होता है, उस टाइम में तापमान उसकी थोड़ी सी कम होती है, देवी देवताओं को प्रार्थना विनती और उसकी स्तुति करने का वो समय होता है। और फिर सूर्यास्त क्या होती है कि जो सूर्य के डूबने का जो समय होता है, सूर्य के अस्त होने का जो समय होता है, उसी को हम लोग सूर्यास्त कहते हैं। ठीक सुबह की भांति वो भी हमारे शरीर के लिए थोड़ी सी हितकर होती है, आनंददायक होती है, उस टाइम में भी लोग देवी देवता दुर्गा को पूजते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं। फिर एक चीज यहाँ पे है परिक्रमा, परिक्रमा
और एक चीज है घूर्णन, परिक्रमा और घूर्णन। परिक्रमा क्या होती है कि जब कोई ग्रह सूर्य की जो चक्कर लगाती है, तो ग्रहों के द्वारा सूर्य की चक्कर लगाना हमारा परिक्रमा कहलाता है। या कोई भी चीज जब हम बीच में रख दे और चारों तरफ उसका जो हम उसको राउंडिंग करवा दे, जैसे मान लीजिए ये बीच में हमने रख दी, इसकी राउंडिंग करवा रहे हैं, तो ये हमारा परिक्रमा कहलाएगा। और जब कोई चीज अपनी ही जगह पे घूम जाए, जैसे अष्टजाम होती है, एक मूर्ति हमने स्थापित कर दी और चारों तरफ जो नचनिया होता नाचने का काम करता है, ये पहले वो हमारा एक तरह से परिक्रमा। घूर्णन क्या होता है कि जब हम लट्टू को जो है नचाते हैं, तो लट्टू की जो किल होती है एक ही जगह पे वो घूमता रहता है, तो वो हमारी हो गई घूर्णन हो गई। दो चीजें हम अच्छी तरह से हमने समझ ली, परिक्रमा और घूर्णन क्लियर हो गया। और एक होती है कक्षा। कक्षा क्या होता है कि सूर्य जो है, सूर्य की जो ग्रह जिस रास्ते से होकर, दीर्घ वृत्ताकार रास्ते से होकर जो वो चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग कक्षा कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारे सूर्य है, ये हमारे सूर्य है, और जाके ये ग्रह है जो उसकी चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो ये जिस वृत्ताकार ग्रह से, वृत्ताकार रास्ते से होकर सूर्य की चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग कक्षा कहते हैं। ये भी हमने समझ ली। उसके बाद हम आगे चलेंगे कि ग्रह जो हमने पढ़ी थी, तो ग्रह हम सभी जानते हैं कि 9 ग्रह थे, उनमें से एक माइनस हो गया, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से या भौने ग्रह के नाम से जानते हैं। अब शेष 8 रह गए हैं, उन 8 में से हमारा जो है 2 लेयरों में वो बटा हुआ रहता है। तो पहला हमारा हो गया आंतरिक भाग का ग्रह, और दूसरा हो गया बाह्य भाग का ग्रह। एक हो गया आंतरिक भाग का ग्रह, और दूसरा हो गया बाह्य। एक हो गई आंतरिक ग्रह, दूसरी हो गई बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में कितने होते हैं जी? 4। पहला होता है बुध, दूसरा होता है शुक्र, तीसरा होता है पृथ्वी, और चौथा होता है मंगल। और बाह्य ग्रह की अगर मैं बात करूं, तो बाह्य ग्रह में हमारे 4 ग्रह होते हैं। पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है यूरेनस, और चौथा हमारा नेपच्यून, ठीक है, जिसे हम लोग अरुण और वरुण के नाम से भी जानते। याद रखेंगे 8 ग्रह में से एक आंतरिक भाग का ग्रह और एक होती है बाह्य भाग का ग्रह। आंतरिक भाग का ग्रह में होंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य भाग का ग्रह में होंगे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। अब मैं बात करूं बुध की, तो बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह है, क्लियर है, सबसे छोटी ग्रह है। और बुध ग्रह में जीवन यापन संभव नहीं है, क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सॉरी वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल न होने की वजह से वहां पर कोई भी जो जीवन यापन संभव नहीं है। और उसके बाद हर एक ग्रह का एक ही काम होता है कि एक तो सूर्य का चक्कर लगाना और दूसरी चीज होती है अपने अक्ष पर घूमना। तो बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में ये जो टाइम लेता है वो 88 दिन का टाइम लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, और अपने अक्ष पर घूमने जो ये समय लेता है घूमने में वो लेता है 59 दिन इनका घूमने में अपने अक्ष पे जो है टाइम लग जाता है। और इसके मैं अगर उपग्रह की अगर मैं बात करूं, तो इनकी उपग्रह की संख्या 1 भी नहीं। तो अब नई चीज यहाँ पे उपग्रह आई है, मैं उस उपग्रह के बारे में थोड़ी सी बात करूँ। उपग्रह क्या होती है कि उपग्रह जो है ये भी एक आकाशीय पिंड है जो ग्रहों की चक्कर लगाता रहता है। तो ऐसा आकाशीय पिंड जो ग्रहों की चक्कर लगा उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो तरह की होती है, प्राकृतिक उपग्रह, एक होती है मानव निर्मित उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह वो है जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई, मानव निर्मित उपग्रह वो है जो हम जिनको बनाते हैं। जैसे भारत ने अंतरिक्ष में कुछ अपने उपग्रह भेजे जिसका नाम एडुसेट है, आयरिस है और इनसेट है। ये 3 उपग्रह भारत ने भेजी है अंतरिक्ष में, जहाँ से हमें वहाँ की जो गतिविधियाँ उसकी जानकारी का पता चलता है, और बाकी जो संचार की जो कार्य होती है उसी से वो संपन्न होता है। वही उपग्रह जो ग्रहों के चक्कर लगाता रहता है। तो बुध के कितने उपग्रह हैं? 1 भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। दूसरी जो ग्रह हमारी वो है शुक्र। अब शुक्र ग्रह जो है ये दूरी के हिसाब से बुध सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन, अपने घूमने में 59 दिन, और इसकी 1 भी उपग्रह नहीं है। शुक्र पृथ्वी से दूरी के हिसाब से दूसरे नंबर पर, ये हमारी सूर्य हो गई सन कह सकते, ये हमारी हो गई बुध, और ये हमारा हो गया शुक्र, ठीक है।
और सूत्र जो है, चूंकि ये शुक्र, आप यहाँ बड़ी लॉजिक वाली बात है, आप सभी इसे ध्यान से देखेंगे कि शुक्र ग्रह जो है यहाँ पर क्या होती है कि ये लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। इसकी आकृति लगभग पृथ्वी के बराबर है और यहाँ पर क्या होती है, इससे हम लोग काफी मतलब ये बुध जो है ये सबसे नजदीक और साथ में छोटा ग्रह, नजदीक प्लस छोटा, सौर मंडल का सबसे, सूर्य का सबसे नजदीक और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। शुक्र ग्रह को हम लोग सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्यों गर्म होता है, हालांकि गर्म होनी चाहिए थे बुध को क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन ये शुक्र क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो जिस वजह से इसकी जो प्रकाश होती है तो वो अवशोषित करने की जगह उसको मतलब क्या कहते हैं उसको परावर्तित कर दी जाती है, जिस वजह से सूर्य के प्रकाश अवशोषित न होने पर यहाँ पे गर्मी नहीं होती है। लेकिन शुक्र में क्या होती है कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में कार्बन, यहाँ पर वायुमंडल है और फिर इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में CO2 है, यहाँ पर CO2 की जो मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड वो लगभग 96% से अधिक है, क्लियर है। तो इस वजह से सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होती है वो अवशोषित कर ली जाती है और अधिकांश भाग जब अवशोषित होता है तो ये पूरी तरह से हीट हो जाती है, इसलिए हम लोग सूर्य को, शुक्र को सूर्य का दूसरे नंबर के ग्रह और सबसे गर्म ग्रह, और यहाँ पर वायुमंडल पर्याप्त मात्रा में होती है। और इसकी अगर हम बात कर ले कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में, तीन को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 255 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूमने में इसको 243 दिन का समय लगता है। अगर मैं इसकी बात करूँ उपग्रह की, इसकी एक भी उपग्रह नहीं है। तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी, अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर की ग्रह है, ठीक है। और चंद्रमा पे जाके पहले व्यक्ति हुए थे आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 ईस्वी में चांद में पहली बार कदम रखी थी और जब वहां से पृथ्वी का अवलोकन उन्होंने किया तो पता चला कि चांद की सतह उभरी खाबरी हुई है, वहां पर चट्टाने हैं और हमारी पृथ्वी की तरह से वहां पर भूमि भी है, और ग्रहण के समय में उसे हम लोग जो है अच्छी तरह से देख सकते हैं, और देखने के बाद पता चलता है कि वहां पर जो परछाई है वो परछाई भी बनती है, जो उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग रहता है। तो पृथ्वी क्या है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है और पृथ्वी सूर्य की जो है शुक्र ग्रह की भांति आकार में दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, इसको पृथ्वी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कही जाती है। और पृथ्वी को जो सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अब यही कारण है कि चूंकि अब ध्यान से समझेंगे इसको, 365 दिन और 6 घंटे का जो टाइम लगता है तो ये 4 साल यानी 6-6 घंटा करके 4 साल में 24 घंटे हो गए, और 24 घंटे बराबर 1 दिन, और 1 दिन जो है, अब सवाल ये कि 1 दिन को कहाँ सेट किया जाए, तो हर एक महीना मतलब दिसंबर, जनवरी से लेके दिसंबर तक का हर एक महीना 30 दिन का कोटा पूरा किया हुआ सिवाय फरवरी को छोड़ के, तो वह 1 दिन फरवरी के खाते में डाल दी जाती है, तो जिससे क्या होता है कि फरवरी का महीना 4 साल में एक बार 28 की जगह 29 का, जो कि इसी साल 2024 का जो फरवरी वो 29 दिन का है, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है और 4 साल में 24 घंटे बराबर 1 दिन, और ये 4 साल में एक बार फरवरी का एक महीना 28 की जगह 29 का होता है। उसी साल साल का जो है 365 की जगह 366 दिन होता है, जिसे हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे और इसको परिक्रमा अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन का टाइम लगता है, और इसके उपग्रह एक है वो उसका नाम है चंद्रमा, और चंद्रमा जो ग्रह है ये चंद्रमा एक उपग्रह है जो किसका चक्कर लगाता रहता है, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन का टाइम लगता है और अपने अक्ष में घूमने में भी इसको लगभग 27 दिन लगता है। तो हमने देख ली बुध सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह और ये सबसे छोटा और सबसे चमकीला ग्रह है, शुक्र सूर्य के दूरी के हिसाब से दूसरे नंबर की ग्रह, ये सबसे गर्म है क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है 96%, इसलिए अधिकतर प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है जिससे कि यह भाग गर्म हो जाती है, और फिर जाके जो हम अगर बात करेंगे सूर्य का एक चक्कर लगाने में इनको 255 दिन का टाइम लगता है और अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन का टाइम लगता है, इनकी भी कोई उपग्रह नहीं है। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो ये सूर्य से दूरी के मामले में तीसरे नंबर की ग्रह है और इसको सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का, 4 साल में 24 घंटे बराबर 366 दिन जो कि लीप ईयर कहलाता है, 4 साल में एक महीना फरवरी का 28 की जगह 29 दिन जो कि जो है 4 साल में एक बार देखने को मिलती है, और इसको अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 24 घंटे का जो है यानी कि 1 दिन का टाइम लगता है, और इसकी एक उपग्रह है चंद्रमा जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन और अपने अक्ष पर घूमने में भी उसको 27 दिन का।
अब थोड़ी सी और क्लास रह गई, फिर मैं अगले दिन बात करूंगा, काफी लंबी क्लास हो गई है। अब मैं चौथे नंबर की बात करूं, वो है मंगल। मंगल क्या है कि आंतरिक भाग का सबसे अंतिम नंबर का ग्रह है, ये हमारी मंगल हो गई, आंतरिक भाग का सबसे अंतिम नंबर का ग्रह है और दूरी के हिसाब से ये चौथे नंबर का है। और इनको सूर्य की एक चक्कर लगाने में लगता 687 दिन, इनकी परिक्रमा की जो अवधि है वो 687 दिन की अवधि है, और अपने अक्ष पर इसको घूमने में जो टाइम लगता है, अपने अक्ष पर घूमने में बिल्कुल पृथ्वी के समान लगता है एक दिन। और इसकी जो उपग्रह है, दो उपग्रह है इसकी, दो उपग्रह है, एक है फोबोज और एक है डिमोज, एक है फोबोज एक है डिमोज, और ये डिमोज जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। आई बात समझ में, कहानी समझ में आई? मंगल ग्रह पृथ्वी से दूरी, सूर्य से दूरी के हिसाब से ये चौथे और आंतरिक भाग के हिसाब से भी चौथे नंबर पर है, जो कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन का टाइम लगता है, अपने अक्ष पर घूमने में इसको 1 घंटा 1 दिन का टाइम, और इनके दो उपग्रह हैं फोबोज और डिमोज, और डिमोज पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा, बस चार और ग्रह रह गए हैं, फिर दूसरे दिन मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। तो चौथे नंबर की जो हमारी ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह क्या है कि सौर मंडल से दूरी के हिसाब से ये पांचवें नंबर की ग्रह हो गई। ये बृहस्पति ग्रह हमारी हो गई, सौर मंडल से अगर हम बात करें दूरी के हिसाब से तो पांचवें नंबर की, और बाह्य ग्रह के हिसाब से देखें तो पहले नंबर की ये ग्रह है, और ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो है 11 साल 11 माह, तकरीबन 12 साल का टाइम लगता है इनको सूर्य का एक चक्कर लगाने में, और अपने अक्ष पर इनको घूमने में 9 घंटे 56 मिनट का टाइम लगता है। 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। और अगर मैं बात करूं इस बृहस्पति ग्रह की, तो ये इसके बीच का ही एक ग्रह होती है क्षुद्र ग्रह, जो की जो है ये बॉर्डर का काम करता है आंतरिक और बाह्य ग्रह के बीच का। जो सम्मेलन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रियों की सम्मेलन हुई थी, जिसपे ग्रहों की परिभाषाओं को लेकर चर्चा हुई थी, तो उनमें से पाया गया था कि क्षुद्र ग्रह एक लेवल पे वो ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकलने के लिए जो मजबूर कर देता है वो यह कि नेपच्यून के कक्षा में वो प्रवेश कर जाता है, इसीलिए उसको निकाल के ये लेयर में वो घूमता रहता है। तो बृहस्पति ग्रह ये सौर मंडल का सबसे बड़ा, और बाह्य ग्रह की बात करूं तो नंबर एक पे, और दूरी के हिसाब से सूर्य की बात करूं तो पांचवें नंबर पे। सूर्य के चक्कर लगाने में 11 साल 11 माह, लगभग 12 साल, और अपने अक्ष पर घूमने में इनको 9 घंटे 56 मिनट का टाइम लगता है। और अब लास्ट दो ग्रह रह गए हैं, और क्योंकि काफी लंबी क्लास हो रही है तो एक ही क्लास में इतना सारा डिस्कस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। और इसे हम लोग पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें अमोनियम क्रिस्टल भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिस वजह से इस ग्रह का रंग पीला हो जाता है। और इसके जो उपग्रह है, लगभग 79 उपग्रह इसके जो है माने गए हैं बृहस्पति ग्रह के। अब मैं बात करूं शनि ग्रह, और शनि ग्रह जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से छठे नंबर का ग्रह है, और बाह्य ग्रह के हिसाब से अगर देखी जाए तो वो दूसरे नंबर की, ये हमारी शनि ग्रह हो गई। और शनि ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 साल 29 साल 5 माह का टाइम लगता है, और अपने अक्ष पे इसको घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट का टाइम लगता है। और इनकी जो सैटेलाइट है, उपग्रह इनकी जो है वो तकरीबन इनकी कुल 56 उपग्रह है। शनि ग्रह मैं बात कर लूं, शनि ग्रह दूरी के हिसाब से छठे नंबर की ग्रह है, और बाह्य ग्रह के हिसाब से अगर देखी जाए तो ये दूसरे नंबर की है, जो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीने का टाइम लगाता है, और अपने अक्ष पे घूमने में इनको 10 घंटा 40 मिनट का, यूं कह ले इनकी परिक्रमा की जो अवधि 29 साल 5 महीना, और घूर्णन की जो अवधि है 10 घंटा 40 मिनट, और इनको ग्रहों की संख्या 56 है। अब हमारी एक ग्रह यहाँ पर यूरेनस। अब दो ग्रह यहाँ पे बड़ी गौर से समझने की चीज है, एक हमारी शुक्र हो गई, एक यूरेनस, उसकी मैं कॉलम बना ले रहा हूँ, ये हमारी यूरेनस ग्रह हो गई, ठीक है, जो दूरी के हिसाब से 7वें नंबर की ग्रह है, और बाह्य ग्रह के हिसाब से देखी जाए तो 3रे नंबर की ग्रह थी। ये यूरेनस ग्रह और शुक्र ग्रह की खासियत ये होती है कि ये पूरब से पश्चिम की ओर चलता है, जबकि बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। परीक्षा में कई एक बार ये सवाल पूछी जाती है कि शुक्र और यूरेनस ग्रह जो है किस दिशा में, तो ये पश्चिम से पूरब से पश्चिम, बाकी ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। और यूरेनस ग्रह को अगर सूर्य की एक चक्कर लगाने की मैं बात करूं तो तकरीबन 84 साल का इसको टाइम लगता है।
84 साल का टाइम लगता है इनको सूर्य का एक चक्कर लगाने में, और अगर इसकी घूर्णन की मैं बात करूं तो वो 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है इनको अपने अक्ष पर घूमने में, क्लियर है। और इसकी उपग्रह की मैं बात करूं तो कुल इनके 27 उपग्रह, यूरेनस ग्रह बिल्कुल बाकी ग्रहों की तुलना में शुक्र और यूरेनस उल्टी दिशा में चलती है, बाकी ग्रह पूरब से पश्चिम चलती है, सॉरी पश्चिम से पूरब चलती है, तो ये ग्रह पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है। दूरी के हिसाब से ये 7वें नंबर की ग्रह है और वाय ग्रह के हिसाब से ये 3रे नंबर पे नंबर की ग्रह है। और अगर मैं इनकी परिक्रमा की अवधि की बात करूं तो 84 साल, और घूर्णन की अवधि की मैं बात करूं तो 17 घंटे 14 मिनट का टाइम लगता है इनको, और इनके उपग्रहों की संख्या 27 है। और लास्ट की हमारी एक ग्रह रह गई जिसे हम लोग इस लेयर में, ये हमारी हो गई, और इस ग्रह को हम लोग कहते हैं वरुण या फिर नेपच्यून, वरुण या फिर नेपच्यून, वरुण या नेपच्यून। अब वरुण और नेपच्यून क्या है कि दूरी के हिसाब से ये 8वें नंबर पे है सूर्य से, और वाय ग्रह के हिसाब से 4थे नंबर पर है, और इनको सूर्य का एक चक्कर लगाने में 164 साल का टाइम लगता है, यानी परिक्रमा की जो इसकी अवधि 164 साल है, और घूर्णन की जो अवधि है वो 16 घंटे 7 मिनट की है, 16 घंटे 7 मिनट, और इनकी जो उपग्रह है वो 13 उपग्रह है। तो इस तरह से, और इसमें बहुत सी सारी चीजें हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब उनमें दो चीजें आती है, उपसौर एक अपसौर। जब उपसौर क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होती है तो उसे हम लोग उपसौर कहते हैं, तो उस टाइम में उनकी दूरी घट जाती है लगभग 14.71 यानी 14,70,00,000 के आसपास, तो वो उनकी दूरी किलोमीटर के रूप में मानी जाती है। जब पृथ्वी सूर्य से काफी दूर होती है तो उसे हम लोग अपसौर कहते हैं, और वो दूरी लगभग 15,21,00,000 के आसपास मानी जाती है। और जब पृथ्वी सूर्य का काफी नजदीक होती है तो उसका प्रकाश भी आने में कम टाइम लगता है, तो वो तकरीबन 8 मिनट 18 सेकंड से लेकर 8 मिनट 25-26 सेकंड के आसपास। तो वो चीजें हम बारी बारी से बाद में देखेंगे, फिलहाल लंबी क्लास हो चुकी है, तो मैं दूसरी वीडियो में फिर से मिलता हूँ और विस्तार रूप से फिर मैं बची हुई चीजों को इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद शिवम। ए शिवम, और कहाँ हुआ?